तो काम जो है कि जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप तो सर चल रहा है, देखिए आप पूरे तरीके से नया बना जा रहा है। देखिए आप लगभग 36 से 38 करोड़ की लागत से बन रहा है ये प्रोजेक्ट। तो दोस्तों लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको पटना सबवे का लेटेस्ट वर्क। एग्जिट निकलेगा पटना जंक्शन के पास और इस तरफ ये पूरा पटना जंक्शन का एरिया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मल्टी लेवल पार्किंग के पास जो नया सबवे बन रहा है। तो ये पूरा जो घेरा हुआ देख रहे हैं ये सबवे का भाग है और इस तरफ मल्टी लेवल पार्किंग है, इस तरफ बुद्धा पार्क है। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें 3-4 अपडेट देने का, जिसमें हमारा जो तारामंडल बन रहा है उसका भी मैं अपडेट दूंगा। तो इस तरफ काम जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए आप देखिए कब ये स्टार्ट होता है सबवे का काम। अभी तो काम चल ही रहा है, यही लेटेस्ट वर्क है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और सामने उस तरफ मल्टी मॉडल हब बन रहा है इस साइड आगे में। लगता है एक एग्जिट जो है कि इस मल्टी मॉडल पार्किंग में भी होगा, उस तरफ भी है एक और इस तरफ भी है। देखिए कौन मेन पार्किंग होता है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन दो पार्किंग अभी तक यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरफ से भी कुछ काम देख आगे में बाथरूम किया हुआ, इसलिए आगे नहीं जा रहा हूँ। इस तरफ से काम चल रहा है। हमने जो ये वाला बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये मौर्या लोक है और इस तरफ जो ये घेरा हुआ है पूरा करकट से, तो यही पटना का सेकंड फर्स्ट। तो आपको पटना साहब स्टेशन है वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है, मतलब लिफ्ट वाला पार्किंग। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, तो ये वो पार्किंग होगा, यहाँ पे 8 तल्ले का पार्किंग होगा, ये पूरा पूरी 8 तल्ले का होगा जिसमें 165 या 160 गाड़ियाँ लगेंगी। तो ये वाला जो पूरा घेरा हुआ है फ्यूचर में 225 हो जाएंगे, 28 करोड़ की लागत से बनेगा और लिफ्ट वगैरह सब कुछ होगा ये वाला जगह पर। ये मौर्या लोक का जगह है और इस तरफ जगह एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो बोर्ड देख रहे हैं तो ये तारामंडल है यहाँ पर, और ये रास्ता सीधे GPO की ओर चली जाती है। और इसी तरफ डाकबंगला चौराहा है जिस तरफ आपका मौर्या लोक है, और ये सब गाड़ियाँ इस तरफ से राजा बाजार की ओर जाती है, मतलब बेली रोड की ओर जाती है या फिर बोरिंग रोड की ओर जाती है। और ये पूरा जगह है जहाँ पर पार्किंग, नया पार्किंग बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग, मतलब लिफ्ट टाइप का। लेकिन ये बैरिकेटिंग की हुई है और मट्टी उट्टी कोड़ा जा रहा है, कुछ जगहों पर मट्टी नज़र आ रही है, लेकिन ठंड की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जिस दिन ठंड हटा तो फरवरी में तो खूब अपडेट आएंगे। तो यही वो पार्किंग है। फिर चलिए मैं आपको जो यहाँ का तारामंडल है मैं उसका अपडेट दिखाता हूँ। अभी लगभग 36 करोड़ की लागत से नया बनाया जा रहा है। सामने तारामंडल का रिन्यूअल हो रहा है, नए तरीके से फिर से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ये लाइट जो है ये नया लगा है। ये रोड सीधे जिस तरफ ऑटो जा रही है तो उस तरफ सीधे डाकबंगला चौराहा है, और इस तरफ यूँ कहूँ कि इनकम टैक्स गोलम्बर है, मंदिरी नाला इसी साइड है जिसका निर्माण चल रहा है। वैसे बिहार में बहुत सारे नाले हैं जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें मंदिरी नाला है, सैदपुर नाला है, बिहार शरीफ नाला है, फिर बाकरगंज नाला है। तो मैं कंटिन्यू जो भी बिग नाले होंगे उसका मैं अपडेट दिखाऊंगा। अभी तारामंडल का देखिए रीडेवलपमेंट, ये सब नया किया गया है, जो ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया है और उस ऊपर से भी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें मैं कुछ आपको मंदिरी नाला का भी लेटेस्ट अपडेट दिखाऊंगा। अभी तारामंडल का कुछ ऐसा व्यू है विंटर होने की वजह से, ऐसा व्यू है तारामंडल का। देखिए आप पूरे तरीके से नया बनाया जा रहा है। देखिए आप लगभग 36 से 38 करोड़ की लागत से बन रहा है से कुछ ऐसा दिखता है हमारा तारामंडल, जो कि पूरे तरीके से नए तरीके से इसे रीडेवलपमेंट में, इसमें और भी 3D की व्यवस्था की जा रही है अच्छे से, और भी क्या क्या होगा जब ये चालू होगा तो पता चलेगा। और इस तरफ चल रहा है मंदिरी नाला का निर्माण देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे कुछ काम हुआ है वो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को उस साइड से। तारामंडल का डेवलपमेंट देख लीजिए आप। इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये इसके नीचे से एक टनल बनेगा, इस तरफ ओल्ड म्यूजियम है और न्यू म्यूजियम इस तरफ यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक टनल बनेगा जिसके जरिए आप यहाँ से वहाँ जा सकेंगे। तो देखिए ये तो इसका भी मैं मट्टी जांच हो रहा है, तो मैं अपडेट नहीं दिखा पाऊँगा, बस बाहर से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये बनेगा, इस जगह से कहीं पर ये बनेगा। चलिए मैं मंदिरी नाला का वर्क स्टेशन दिखाता हूँ। तो काम जो है कि जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप
और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है आगे में भी। तो जो है वो सामने है, मैं मंदिरी नाला का भी अपडेट दिखा रहा हूँ। और ये जो पाइप है इसके जरिए जो है कि पानी भेजा जा रहा है दूसरे और आगे में, ताकि ये आराम से बन सके। सोचिए कि कितना गहरा होता था, आदमी गिर जाता था तो मिलता नहीं था। देख सकते हैं आप, ये दो आदमी से भी ज़्यादा गहरा है, तीन आदमी अप्रोक्स, ये 9 मीटर प्लस गहराई से बन रहा है। तो इस तरीके से पूरा है। लेकिन अब लगता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। काम जो है वो 100 मीटर ही हुआ है, देखिए आप ये पूरा 100 मीटर के एरिया। फिर अब इस तरफ जैसे होगा तो मैं कंटिन्यू अपडेट दिखाऊंगा। तो काम इस तरफ से ज़ोरों शोरों से चल रहा है। चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा, और मेरी मेन वीडियो देखने के लिए थैंक्स।